प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया और अपना प्लान भविष्य का बताया कि दरअसल कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की ऊंचाइयों को आगे ले जाना है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। एके मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब है, स्वागत है संजय जी आपका। हमारे साथ है प्रदीप भंडारी जो कि जन की बात से हैं, स्वागत है प्रदीप जी। और सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी आज तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि फ्यूचर प्लान बता दिया है प्रधानमंत्री ने और यह भी कहा कि दरअसल आतंकवाद अलगाववाद से जिस तरीके से परेशान था यह राज्य यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में, अब चीजें सुधरेंगी, विकास वहां दिखेगा। देखिए मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी 370 पर एक्शन लिया गया है वहाँ के लोगों को विकास से कनेक्ट करने की कोशिश की है, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सब कुछ जम्मू कश्मीर पे की आबो हवा को बदलने के लिए, डेवलपमेंट की बयार लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस पर विश्वास होना बहुत मुश्किल है। क्यों क्यों विश्वास होना नहीं, क्यों? देखिए ये भाषण जो है हमें नहीं लगा, ये भाषण आपको लग रहा था, ये भाषण लग रहा था नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात हो रही थी सुशील पंडित जी और लद्दाख के लोगों की बात हो रही थी, वहां के डेवलपमेंट की बात हो रही थी, इनको भाषण लग रहा था, इनको चुनावी भाषण लग रहा है जी। सुशील पंडित जी, मिश्रा जी कौन सा चुनाव जीतना बाकी रह गया? मोदी जी को कौन सा चुनाव जीतना बाकी रह गया? नहीं, किन वोटों के मोहताज है मोदी जी? 3 दिन पहले जो कौन से वोट नहीं मिल रहा है मोदी जी को? आपको भाषण था 3 दिन पहले जो बिल पास हुआ है, बताइए मोदी जी किसके वोट के मोहताज है? कौन सा चुनाव जीतना बाकी रह गया मोदी जी को? नहीं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मुझे इतना बताइए, ये हजम क्यों नहीं हो रहा है? दवा नहीं लिया आपने क्या? प्रेम कुमार जी को कहने की हिम्मत नहीं होती थी इस पर एक सवाल सुशील पंडित जी की बात को, अगर नहीं एक मिश्रा जी, एक मिनट सुशील पंडित जी आपकी बात, मुझे प्रेम जी बताइए, आपने दवा नहीं ली हजम होने वाली? पेट में दर्द है अभी भी 370 आटने के बाद? नहीं आप बताइए ना, आपको दर्द है ना, आप बोलिए। नॉन इशू पर बात कर रहे हैं, दर्द शुरू हो जाता है। घाटी को कैद कर रखा है। नहीं नहीं, क्या कैद कर रखा है? घर के लोग निकल नहीं रहे, मीडिया का एक्सेस नहीं है, केवल नेशनल मीडिया का एक्सेस है, लोकल मीडिया का कोई एक्सेस नहीं है। आज हम अपने घरों में होते हैं, अगर इस तरह की सुरक्षा 30 साल पहले आ रहा है, आज हम अपने घरों में होते मिश्रा जी। प्रदीप भंडारी सुनिए, एक मिनट रुकिए, आज नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, और अगर इस तरह के बंदोबस्त 30 साल पहले होते हम अपने घरों में होते। बिल्कुल, और आपके लिए ये सिर्फ बहस का मुद्दा है। और ये एक बड़ी बात, ये एक बड़ी बात ये, आप क्यों नहीं समझे? आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बहस करिए, आप बहस करिए ना, आप आपत्ति करिए, किसको दिक्कत है, लेकिन देश हित में व्यवहार करें, देश हित में व्यवहार करें। क्या एक बड़ा मैसेज नहीं है प्रदीप भंडारी आज प्रधानमंत्री ने दिया, और खासतौर पर उन लोगों को, कांग्रेस को, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाने पहुंचे? प्रेम कुमार जी, 3 मिनट से चिल्ला रहे, मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए आज का प्रधानमंत्री का जो पूरा जो स्टेटमेंट था और जो उन्होंने एड्रेस किया था उसको अगर मैं समराइज कहूं तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने सबसे ज्यादा अगर अपने भाषण में हम वर्ड का प्रयोग किया, उन्होंने कश्मीरियों की जो एक दिक्कत थी उनको लग रहा था कि उनके साथ स्टिक की तरीके से अप्रोच किया जाएगा, उसको उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसको हम एड्रेस करेंगे। बात रही ईद की, बात हो गई या आप जाके बात कर लीजिए कि प्रधानमंत्री ने बोला कि उन्होंने अपनी विजन दिखाई, उन्होंने कहा कि आगे का नया कश्मीर कैसा होगा जिसमें कश्मीरी युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री आएगी, टूरिज्म बढ़ेगा। तो इससे ज्यादा अच्छी चीज तो कश्मीरियों के लिए हो नहीं सकती। तो पूरी सपने का देख लीजिए ना, 30 साल से जैसा सुशील पंडित जी ने बोला, 30 साल से 40 साल से हजारों लोग, हजारों जाने जा रही है, तब आपकी 42,000 लोगों की जान आपको अब अगर एक नई विजन कश्मीर की दिखाई जा रही है तो उसको समय तो दीजिए, चाहे इतने बिल्कुल। और मैं दो लोगों से सवाल, प्रेम कुमार जी और संजय जी के स्वाद के लिए जी, संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी दिक्कत क्या है?
पाकिस्तान आज कांग्रेस की भाषा को कोट कर रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि देखिए कांग्रेस को कितनी दिक्कत है, वो कोट कर रहा है, वो इनको अच्छा लग रहा है क्या? और क्या इन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वहां पर इंडस्ट्री जाएगी, वहां का पर्यटन बढ़ेगा, वहां पर बच्चियों को एजुकेशन का राइट मिलेगा, बच्चों को राइट मिलेगा, क्या क्या इन्हें दिक्कत है? नहीं, एक मिनट संजय जी, पहले फिर आप जी बोले जी बोलिए प्लीज। जितने भी हम लोग इधर बैठे हुए पैनल के अंदर, मेरे को लगता है अगर आप में से चंद एक लोग अगर लद्दाख गए हुए हैं, लद्दाख में रहे हैं और जिन्होंने लद्दाख देखा है, जो जिन्होंने श्रीनगर, रजौरी, तंगधार, बारामूला में जाकर के रहे हैं, देखा है, जिन्होंने जम्मू देखा है, अगर वो बात करें तो मुझे मानने की बात होगी। नहीं तो ये प्रेम कुमार जी गए, आप प्रेम कुमार जी गए, खिलाया हुआ बोलिए, मणिशंकर अय्यर जाके बोलते हैं हमारी सरकार बनवाने के लिए पाकिस्तान के लोग मदद करो, तो पेट में दर्द इनके नहीं होगा तो किसका होगा? बोले अभी 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 चुप है प्रेम कुमार जी। साल के बाद ऐसी गर्वोन्मुक्त भाषा सुनने को मिली है देश के इतिहास में, और आपको दर्द हो रहा है एक दूसरे को दिखा 70 साल। आपने आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अशोक जी भी जवाब देंगे, अशोक जी नहीं, अशोक जी और आप एक पाकिस्तान में जाकर राजनीति कर रहे हैं जी, अशोक जी जवाब दीजिए, पाकिस्तान की भाषा ही बोलेंगे ना, वहां से सहयोग लेने के लिए। अशोक जी, अशोक जी, एक बात सिर्फ ले लीजिए प्लीज जी, सुशील जी, हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो बात हुई थी कि कश्मीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मध्यस्थता की, अरे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना, मैंने पूछा ना, कोट कर रहे हैं कांग्रेस के, सुशील जी उसका जवाब देंगे, सुशील पंडित जी बोले बोले, सुशील पंडित जी फिर मैं आपसे पास, एक सेकंड, आपको हमारे जनरल कुल कर्णी साहब ने अभी लेह के बारे में बताया, ये वो जनरल हैं जो भारत का पहला सैनिक थे सियाचिन पर उतरने वाले इस देश के लिए, बोले इनको लेह के बारे में जितना मालूम है पहला आप सोच भी नहीं सकते हैं, इन्होंने जान जोखिम में डाली है, ये लेह को समझते हैं। आप जानना चाहेंगे कि लेह की जरूरत क्या है, आप जानना चाहेंगे कि लेह का एक केंद्र शासित प्रदेश बनना क्या है, वहां दोनों टू फ्रंट वॉर की जो हम बात करते हैं ना, वो चाइनीज फ्रंट और इंडियन फ्रंट वहीं आके मिलता है इस पूरी पूरी देश में जी, बिल्कुल सियाचिन की बात करते हैं, प्रेम कुमार दुनिया का सबसे ऊंचा अगर युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, वो भी इसी फ्रंट पर आकर मिलता है, आप समझिए क्या संवेदनशील इलाका है वो, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी तंत्र में आ गई थी जो पूरे के पूरे राज्य की सुरक्षा को लेकर के चिंतित कर दिया। आपको पसीना आ रहा है, आपको पसीना आ रहा है, आपको स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है, आप यूनियन अब आ गए, 70 साल से स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है, क्या भरोसा? आतंकवाद पर भरोसा करते हैं, अलगाववाद पर आपको भरोसा है? नहीं, आपको आतंकवाद पर भरोसा है क्या? जो संघीय ढांचा है उस पर खतरा पैदा हो गया है, वो खतरा पैदा कर दिया गया। नहीं नहीं, मैं एक मिनट बार सुनिए मेरी बात, तो सुनिए ना, एक मिनट, आपको भरोसा अलगाववाद पर है? नहीं, आपको अलगाववाद पर भरोसा था, आपको आतंकवाद पर भरोसा था, आपको कुछ परिवारों पर भरोसा था? नहीं नहीं, आप जवाब दीजिए ना, बोलिए ना, इधर देख के बोलिए ना, आप बोलिए ना, नहीं आप बोलिए, आप इधर देख के बोलिए ना, आपको भरोसा किस पर था? आपको आतंकवाद पर भरोसा था, आपके युवाओं के हाथ में पत्थर हो उस पर भरोसा था, उनके बच्चे विदेश में पढ़े उस पर भरोसा था, आपको उस पर भरोसा था? नहीं, आपको उस पर भरोसा था, आपको डेवलपमेंट पर भरोसा नहीं था, आपको विकास पर भरोसा नहीं था, आप जाते मेरे सवाल से, आप मेरे सवाल सुनिए, मेरे आप सवाल से भाग रहे हैं ना, मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मंत्री जवाब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पूछिए सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, आप आपको आतंकवाद पर भरोसा था, आपको अलगाववाद पर भरोसा था, भरोसा क्यों होगा? नहीं, आपको है भरोसा, तभी आप इसका विरोध कर रहे हैं, यही बंगाली प्रधानमंत्री जी की भाषा थी, या तो देशभक्त है या गद्दार है, यही बोल कर गए, आपने बोल दिया, आप देखिए 3 मिनट बोल दिया, मेरी बात सुनिए, आप जैसे लोग, आप सुनिए ना, सुनने की मत रखिए, आप सुनने की मत रखिए ना, आप सुनने की मत रखिए, लोग ऐसा भ्रम फैला रहे थे कि केंद्र सरकार ने जब यूटी बना लिया उसके बाद वहां पे असेंबली नहीं आएगी, वहां के लोगों को हक नहीं मिलेगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया कि उसके अंदर भी एमएलए चुने जाएंगे, ये आएगा, आपका भ्रम भी चौपट हो गया, आपके लिए कश्मीर पर, एक सेकंड रुक सर, 10 सेकंड दीजिए सर, मेरे को बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा, मैं बोलूंगा, आपके लिए कश्मीर का मतलब यही था कि वो कुछ चुनिंदा
लेटेस्ट लीडर जो जाके दिल्ली में आतंक फैलाए, जो आपके लिए कश्मीर का मतलब जम्मू नहीं था, आपके लिए जम्मू कश्मीर का मतलब ले नहीं था। आपकी दिक्कत यही है, पेट में मिर्ची लग रही है क्योंकि आपका नैरेटिव चला गया, आपने जिसका जम्मू में है, लद्दाख में है, वो उनकी परवाह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिकल कभी जिंदगी में नहीं करे, राजनीति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, करते हैं सुशील पंडित जी मुझे आप बताइए, इन्हें क्या सिर्फ दो परिवारों पर भरोसा था, वही शासन करते रहे, वहां पर करप्शन करते रहे, वहां अपने बच्चों को अलगाववादी विदेशों में पढ़ाते रहे, इस पर इन्हें भरोसा था, टेररिज्म पर भरोसा था? इन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि वहां का युवा जो है जिसके हाथ में पत्थर ना हो करके वो नौकरी करे? सुशील जी मिश्रा जी, धृतराष्ट्र हुए हैं इस देश में, लेकिन आप जैसे मैंने नहीं देखे। बोलिए, आप सच्चाई डायलॉगबाजी से नहीं चल रहा। नहीं, आप सच्चाई से, आप डायलॉग नहीं, आपको बोल रहे हैं डायलॉग, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। एक तरफा बात नहीं, आप नहीं, आप किस बिना पर इस इतनी बड़ी आलोचना कर रहे हैं, इतना बड़ा अविश्वास कर रहे हैं? देश का चीफ एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री फ्रंट से आकर के आपको बता रहा है, अपनी प्राथमिकताएं दे रहा है, आपको रिएश्योर कर रहा है, जिसकी बात को लोग सुनते हैं, समझते हैं। जो नहीं बता रहे वो बताइए ना। नहीं, क्या नहीं बता रहे? आनंद, आप बता दीजिए, क्या नहीं बताया आप बता दीजिए ना। क्यों लोग घरों में कैद हैं? क्योंकि 70 साल से जहाद वहां पर जड़े जमा रहा था। 70 साल एक समुदाय की नस्ल अब्दुल्ला का बेटा लंदन में पढ़े, ग्राम पंचायत के बच्चे का बेटा लंदन में नहीं पढ़े, उसका शिक्षा नहीं मिले, दलित के बेटे को शिक्षा नहीं मिले, वाल्मीकि बेटे को शिक्षा नहीं मिले। अरे बेशर्मी की हद है। अरे कहाँ आतंक देना, बताइए, पत्थरबाजी होती ना, बताइए कहाँ होती थी पत्थरबाजी, कहाँ होती थी पत्थरबाजी? उत्तर प्रदेश में होती थी, उत्तराखंड में होती थी, बोलिए ना, पत्थरबाजी। चुनिंदा युवाओं के हाथ में बंदूक कौन थमाता है, कहाँ थमाता था? कुछ मुट्ठी भर लोग, वो एके मिश्रा जी, हमारे जैसे देशभक्त देश छोड़ के नहीं भागे, चाहे कुछ भी हो जाए, देशभक्त बोलते हैं। सुनिए, अरे बता रहा हूं, इसे काम की। आप जब अलगाववादियों का समर्थन करेंगे तो देशभक्त नहीं होंगे, जब आप अलगाववादियों का समर्थन करेंगे तो देशभक्त नहीं होंगे, जब आप युवाओं के हाथ में पत्थर थमाएंगे तो देशभक्त नहीं होंगे। संजय जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट, संजय जी, ये सोचने के लिए संजय जी जवाब दे देने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, आप बीच में दखलअंदाजी ना दीजिएगा। 1% आबादी है जम्मू कश्मीर की और 10% सेंट्रल फंड्स जाते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपए हर आदमी के ऊपर। उत्तर प्रदेश की आबादी है 14%, इसको जाते हैं 8% सेंट्रल फंड और तकरीबन 4,300 रुपए। आप देखते हैं इतना पैसा सरकार ने जम्मू कश्मीर में भेजा के हिसाब से हाईएस्ट है, और कहां गया है ये पैसा? सिर्फ अलगाववाद, आतंकवाद। ये अच्छा लग रहा है आपको प्रेम कुमार जी? ये अच्छा लग रहा है आपको? आपकी सरकार क्या नहीं रही है? नहीं, ये अच्छा लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है ना? अब अनुच्छेद हट गया तो दिक्कत हो रही है, अब क्या दिक्कत हो रही है? अब क्या दिक्कत हो रही है? क्या नहीं कर दिया? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश भर की इंडस्ट्री वहां पर पहुंचे, वहां पहुंचे, वो उनके क्या भरोसा आपको प्रधानमंत्री पर नहीं है? आप मुद्दे पर आइए, पहले अभी मुद्दे पर आइए ना, आप जिसका सवाल उसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आप एक मिनट सुनिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा वहाँ सड़कें बेहतर होंगी, अस्पताल बन जाएंगे, प्लेट, अरे क्या अभी आप हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं? हथौली
हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं क्या? चलिए प्रदीप प्रदीप जी, प्रदीप जी एक मिनट जी, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे भी और सुशील सुशील पंडित जी से। सर मैं आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ, एक मिनट सर सुनिए 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 ना, आप एक एक मिनट रुकिए, मैं ब्रेक ले लेता हूँ छोटा सा, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा एक मिनट एक मिश्रा जी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये हम सवाल जरूर पूछेंगे कि अगर वहां पर सड़कें दुरुस्त होंगी, वहां पर हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी तो दर्द क्यों हो रहा है? लौट रहे चल उसमें भी कमी निकालो। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। एके मिश्रा जी मेरा सवाल यही, टेक्नोलॉजी पहुंचे, स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, स्पोर्ट्स एकेडमी बने, बॉलीवुड की फिल्में वहां ज्यादातर शूट हो, बाहर से लोग पहुंचे, इसमें दिक्कत क्या है? अब जी जल्दी से, दिक्कत उनको है जो स्विट्जरलैंड फेल होने वाला है। अगर कश्मीर में केवल टूरिज्म आ जाए ना तो स्विट्जरलैंड लोग जाना पूरी दुनिया से भूल जाएंगे। इनको क्यों दिक्कत हो रही है? मैं समझता हूं कि आईएसआई से इनको फंडिंग मिली है क्या कि आप इस मुद्दे, इतिहास में पहली बार ये कदम बढ़ा है पूरे देश को आगे ले जाने के लिए। बातचीत हो गई, कह दी अपनी बात। अरे सर आप ऐसी बात करोगे तो क्या होगा? जो आदमी ऐसा बोलेगा आप पाकिस्तान की मीडिया को देखो, शकूते ढाका के बाद हम बात करने बैठे हैं नरेंद्र मोदी के भाषण पर जो उन्होंने देश के नाम संदेश दिया, ये एक विजय दिवस के रूप में याद किया जाएगा। डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले होता है नेशनल प्राइड और क्या है। संजय जी जल्दी से बात आई है, हम कैसे उनकी बात पर भरोसा करें? देखिए पाकिस्तान जो 370 को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था उसको जंग लग गया, अब वो कभी भी नहीं जंग लग गया। नहीं अब आपको दिक्कत हो रही, पाकिस्तान का नाम ले रहे तो भी दिक्कत हो रही आपको? नहीं अब आपको पाकिस्तान को जंग लग रहा है तो भी दिक्कत हो रही है आपको? तब भी दिक्कत हो रही है आपको? प्रदीप भंडारी प्रदीप अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाए, पाकिस्तान के हथियारों को जंग लग गई है, पाकिस्तान के हथियारों को जंग लग गई तो भी दिक्कत है? सुन लीजिए अब आप बोलिए, पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया जा रहा है जब हिंदुस्तान ने अपने इंटरनल मैटर पे एक्शन लिया 370 पे आतंकवादियों और अलगावादियों के खिलाफ, तो पाकिस्तान की अगर नियत सही होती तो उसको मिर्ची नहीं लगती, उसके पर वो नहीं बोलता इमरान खान कि पुलवामा जैसा अटैक हो सकता है पाकिस्तान, वो धमकी नहीं देते। सुशील जी से खराब बात है, एक सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी क्या ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए? ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए? जल्दी से आपके दिमाग में मुसलमान महिला नहीं आती सर, माफ करना एक बड़ी खबर आ रही है।